हेलो, नमस्ते जी सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज दिन है बुधवार, काम समाप्ति की तरफ है, कपड़े धुल गया है, नहाना धोना हो गया है, और देखो भगवान जी की पूजा भी हो गई। मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं आप। अब मठा वगैरह बनाया है, तो अभी हंडिया और ये धोकर रख रखे हैं मैंने यहाँ पे। इसको लेके चलते हैं ऊपर, ये मुझे सुखाने हैं, तो एक बार मैं इन्हें उठा लेती हूँ हाथ में, आराम से धूप में ऊपर रख के आते हैं इनको। चलिए चलते हैं। अब कपड़े भी ले गई है रेनू ऊपर, कपड़े सुखा रही है, मशीन में सुखा रही है वो, बाकी मैं सुखाऊंगी। नुस्से का तो लेके चल, मैं आ रही हूँ। देखो बंदरों ने क्या किया है, देखो ऐसा इतना नुकसान कर देते हैं ना बंदर, पूरा सर में दर्द कर रखा है इन बंदरों ने मेरे। अब मैं आ गई ऊपर, धूप आ रही है अच्छी आज तो। अरे मैं रख देती हूँ इन्हें यहाँ पे, धूप लग जाएगी इनके। अब कपड़े भी सूख गए हैं, देखती हूँ। अभी मैं निकाल लेती हूँ एक बार कपड़े। मैं ऊपर आई हूँ तो ये पौधा देखो कैसे मुरझा गया है, मुझे देख के लगा तो इसमें पानी की कमी हो रही है शायद, ये सूख रहा है। ये मैंने बारिश का पानी इकट्ठा कर रखा है, बारिश वाला, तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें दे दूंगी, बस ये एक ही सूख रहा है, थोड़ा सा डाल देते हैं। अब ज़्यादा पानी लगाते नहीं है पौधों में, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती रहती है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है मैं उसी में पानी लगाती हूँ, नहीं तो ना फंगस लगने का ज़्यादा डर है। कपड़े सूख गए हैं, मशीन भी इधर कर दिए, चलिए ऊपर चलते हैं इन्हें लेके। गिर गया। देखो कितनी अच्छी हो रही है तुलसी मैया, देख रहे हो घनी, और हर गमले में उगी हुई है महारानी इस समय यहाँ पे, क्योंकि ना बीज झड़ के गिर जाता है और वो फिर बड़ा हो जाता है। 8-10 तो मैंने दे भी दी पड़ोसियों को। अब मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे कपड़े सुखाने के लिए, सुखा दूँ कपड़े फिर मिलती हूँ आपको। मौसम आज भी ना घटा जैसा ही हो रहा है और धूप भी निकल रही है। बस ब्लैक वाला ही खाली रखा था, मैंने इसमें लगा दिया पौधा, ये वाला लगा था, ये एक्स्ट्रा मिट्टी रखी हुई इसमें रखती है, ये बड़ा गमला था नहीं तो इसी में लगा दिया। मैंने लगा तो दिया है ये पौधा ब्लैक वाले में, इसमें अभी मैंने जो आपको दिखाया, देखो कितने दिन चलेगा इसमें। वैसे तो चलना तो चाहिए, छोटा ही पौधा है, अगर बंदरों ने दोबारा से नहीं तोड़ा तो है, नहीं अगर तोड़ दिया तो फिर काम खराब। अब बस चलते हैं अब नीचे, देखते हैं कुछ नाश्ता पानी बनाते हैं, पायल भी नहा लिए, और नाश्ता पानी करने के बाद मिलते हैं फिर आपसे, देखते हैं आज क्या क्या करेंगे दिन भर। तो चलिए आ गई हूँ मैं नीचे, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। देखो पायल झांक रही है। नाश्ते में पायल के लिए बनी है भिंडी, है मैंने घिया उबाल लिया और घी भी गरम करके रख दिया है, और ये जो मिठाई अब जितनी भी रखी है ना सब मैंने पन्नी में कर दी है, सब रेनू को दूंगी आज, क्योंकि रखी रहती है ना तो खाते रहते हैं और मोटे होते रहते हैं। 4-5 दिन से ऐसा रूटीन बिगड़ रहा है ना खाने का,
पता ही नहीं चलता कि कितना ज्यादा खा लेते हैं मिट्ठे के चक्कर में, क्योंकि स्वाद चीजें हैं ना फटाफट खाई जाती हैं। आज मैं इस वाली डाइट पे रहूंगी। ये घिया उबाल लिया मैंने सुबह ही, और ये मट्ठा है ताज़ा जो अभी बनाया था, तो उसमें घोल के घिया ही पीऊँगी। और ये रेनू जा रही है, मैंने इसको सारा मीठा दे दिया है। अब मैं बना देती हूँ पायल के लिए खाना। ये थोड़ी सी दाल रखी थी तो मैं इसको गर्म कर रही हूँ हल्का सा तवे पर रख के, और उसके लिए रोटी सेक दी है मैंने घी के हाथ की। पहले मैं पलोथन की सेक रही थी, मैंने डब्बा भी खोल लिया था, पायल ने बोला नहीं घी के हाथ की बनाओ, तो मैंने घी के हाथ की बना दी है। और ये पायल की थाली लग के तैयार है, पायल को भूख लग रही थी तो मैंने उसके लिए भिंडी दाल और रोटी बना दी है। दही वगैरह वो खाती नहीं है ना मट्ठा पीती है। अब मैं बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, बाकी काम तो मेरा हो गया है सारा, रेनू भी जा चुकी है, और अब मैं बर्तन रेनू से नहीं करवाती हूँ। पहले मैं एक टाइम के बर्तन करवाती थी रेनू से सुबह वाले, लेकिन अब नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ना मैं और पायल ही हैं और ज़्यादा बर्तन होते भी नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है खाना भी नहीं बनता उसके जाने से पहले, तो हम खुद ही कर लेते हैं। इसलिए पिछले एक महीने से मैंने छुड़वा लिए थे उससे बर्तन, अब खुद ही करते हैं। अब बर्तन बर्तन मांजने के बाद किचन पूरी क्लीन हो गई है, अब मैं करूँगी नाश्ता। ये देखो मैंने 1 गिलास मट्ठे में आधा घिया घोल लिया है, नमक मिर्च और सूखा भुना हुआ जीरा डाल लिया है इसमें, मतलब जीरा भून के दर रखा है पीस के, वो डाला है आधा चम्मच, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च। यही मेरा नाश्ता है, और सुबह चाय पी थी। और एक बार आप इस तरह की डाइट पर रह के देखो, पूरा 1 किलो वजन कम हो जाता है अगले दिन, अगर एक दिन हम अच्छे से ऐसे बिल्कुल बिना रोटी की डाइट पर रहते हैं। लिक्विड डाइट भी कह सकते हैं आप इसको। आ जाइए आप भी ले लीजिए मेरे साथ। ले भाई तेरी वीडियो बना के तो दिखाऊं सबको, हैं तेरे से पौधे लूं मैं, तेरे से पौधे लूं। नकली है तो नोट देख, ध्यान से देख लिया, नकली है ये वाला पौधा लगवाया है इससे माली से अभी। देखो ये वही कली हैं, वो हैं जो मैं गांव से ला के मैंने लगाई थी ना, ये देखो ये इसमें नई सूट निकल के आई है, ये अच्छे से चल गई है। एक ही चली है बस, तीन लगाई थी, तीन में से ये एक चली है, ये दोनों चल गई हैं। वैसे ये भी तीन लगाई थी, ये दो चल गई हैं, देखो अलग अलग हैं दोनों। इस टाइम दोनों में अच्छे से पत्ते आ गए हैं, इसमें बहुत सारी लगाई थी, इसमें से भी ये तीन चली हैं, एक ये चल गई है, ये चल गए, और इसमें तो पूरे गमले में बस एक ही चली है। ये मैंने अभी बाहर ही रख रखे हैं, क्योंकि इनको ना ताज़ी हवा वगैरह ज़्यादा चाहिए, तो ये इसलिए यहाँ हैं बाहर, ये यहीं से ज़्यादा अच्छे ग्रो करेंगे। और कुछ इधर रख रखे हैं जो कटिंग ही लगाई थी, देखो ये वाली, इसमें तो जितनी लगाई थी सारी अच्छे से चल गई हैं, देख सकते हैं आप। इसमें तो एक छोटा सा फ्लावर भी आ रहा है, ये वो है जब मैंने एक दिन पिछली वीडियो में दिखाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगी, तब देखना। इस मौसम में कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। और ये मैंने ना एक दिन ऐसे ही माली आ रहा था, उसकी रेड़ी में से तोड़ के ये पत्ता उसने फेंक दिया था, तो मैंने ये यहाँ लगा दिया, देखो ये भी ग्रो हो गया है। और 2 बज रहे हैं, अब लग रही है भूख। आ जाइए आप भी, एप्पल खा लीजिए, फिर मैंने धोकर ले लिए। और आज मेरा लंच यही होगा, नाशपाती भी रखे हैं, 2 नाशपाती भी काट लेती हूँ।
लंच कर लो। और आज लंच में मैंने केवल फ्रूट लिया है, सुबह दही और घिया लिया था, मतलब एक तरह से एक गिलास मट्ठे में 2 चम्मच उबला हुआ घिया घोल लिया था, उसमें जीरा नमक वगैरह डाला था। नाश्ते में वो था, लंच में ये है, और डिनर में भी मैं आज बहुत हल्का लूँगी क्योंकि कई दिन से मीठा खा के ना मुझे लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। अब फिर जब मोटे हो जाते हैं ना बहुत मुश्किल हो जाता है घटाना, तो इसलिए आज ऐसी डाइट लूँगी। और कल मेरा व्रत है थर्सडे का, तो 2 दिन अच्छे निकल जाएंगे फिर बढ़िया। तो लो खा लो, एक सेब का आटा है और 2 छोटी छोटी नाशपाती थी, इसमें से पायल भी खाएगी सारा, मैं ही नहीं खाऊंगी। और चाहे तो आप एप्पल की स्मूदी भी बना सकते हैं। देखो मौसम कितना अच्छा हो गया है, घने घने बादल इस कॉर्नर में से आ रहे हैं, यहाँ से दिखाती हूँ आपको। देखो कितना घना हो रहा है। चलो कपड़े उतार लेते हैं पहले। उतार लिए हैं कपड़े और मौसम तो वाकई में गजब को हो रहा है। बारिश आ जाए तो आज तो नहाने का मन कर रहा है, यहीं पे बैठ जाऊं झूले पे और नहाऊं। कहाँ जावे? भैंस के पास, बच्चे के पास, वहाँ पे देख वो रहा बच्चा छोटा सा, जा जाएगा, चल आ जा, आ पकड़ मेरा हाथ ऐसे यहाँ पे, आ इस वाले से पकड़, चल अच्छा बस आ जाओ, चलो। एक छोटा बच्चा आया है माँ जी की भैंस के बच्चे के पास, लो ले जाएगा तू, जा भाई भाई लगे इसे चक्कर का भी पता ना, तो ठीक इसे छोटे से को भी अच्छा जी हाँ बैठी माँ जी, माफ कर लो ना, कोई बात ना, इसे चोकर घेरोगे खा लेगा चोकर घेर के हो। ओहो तेरे भी नखरे हो रहे भाई अभी से ही, अच्छा लाल लियो इसीलिए नखरे ज्यादा है इसके। बैठूंगी अभी, ओहो देखो चोकर डलने के बाद ये हो गया शुरू खाने के लिए। हो माँ जी ने तो आदत बिगाड़ रखी इसकी, क्या नाम दे रखा इसका, मंदूर, अरे वेरी गुड नाम भी प्यारा ही दे रखा माँ जी ने तो। मंदूर आ जाइए जी, चाय पी लीजिए। 4 बज गए, 2 बजे फ्रूट खाए थे, अब भूख लग रही है दोबारा से। अब चाय के बिना मैं नहीं रह सकती, चाहे कैसी भी डाइटिंग हो या पतले हो या ना हो, चाय मुझे चाहिए जरूर जरूर। तो आप भी पीजिए और टेंशन ना लीजिए, पतले हो जाएंगे धीरे धीरे, क्या हो गया, चाय को एंजॉय करिए। बारिश का वेट कर रहे थे, बारिश तो आई नहीं, चलो हमने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे और बाय बाय, नमस्ते जी।